खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां रमजान मुबारक के बबरकत महीने में डोकरी एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अमीन मस्तोई की तरफ से 5 से 10 हज़ार मुलाजमीन की तनख्वाहों में बड़ी कटौती के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसकी सरबराही गुल मोहम्मद मेरानी, फयाज सुमरो, फरहान मेरानी, फयाज बान और दीगर मुलाजमीन का एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अमीन मस्तोई और टी ओ अब्दुल्ला वंगरियों को हटाने और सख्त नारेबाजी की गई। मुलाजमीन ने भटाई प्रेस क्लब डोकरी के सहाफियों को बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर और टी ओ डोकरी को हटाने तक तहरीक जारी रखेंगे और यूनियन मुलाजमीन की जानिब से सिंध हुकूमत से अपील करते हुए कहा कि मुलाजमीन को तशवीश है कि गुज़िश्ता मार्च की तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई और मुलाजमीन की तनख्वाहों से गैर कानूनी कटौती की जा रही है। मुलाजमीन में रमजान सुलंगी, जाहिद गुल मेरानी, फयाज बान, इरशाद बान, शहदाद मेमन, माजिद भुट्टो, वसीम बान और गैर कानूनी तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इस मौके पर गैर कानूनी तनख्वाहों के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुलाजमीन ने कहा कि अगर तनख्वाहों से कटौती की गई तो एहतजाज करेंगे। गुज़िश्ता मार्च से तनख्वाहें वसूल नहीं की जा सकती और डोकरी टाउन का अमला रमजानुल मुबारक में भी इस जलसे में भरपूर तरीके से धरने देने पर मजबूर हैं। इनकी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, डिप्टी कमिश्नर लाड़काना समेत आला हुकाम से मुतालबात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता मार्च की तनख्वाहों से एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अमीन मस्तोई मुलाजमीन के साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं और मुलाजमीन को मुकम्मल तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जा रही।